ग्रुप है, ठीक है। आपने ये करना है कि अब हम लोग एक्सचेंजेस निकाल रहे हैं, सर्विंग्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि भी मैंने मुझे तो मतलब 213 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और मेरे पास अब एक ही ग्रुप है, ठीक है, और वो ग्रुप है स्टार्च का, सीरियल्स का, जिसने मुझे कार्बोहाइड्रेट्स देना है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना कितना पूरा कर लिया और कितना मेरा रह गया? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब तक हमने जितना कार्ब्स दे लिया है ना, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने जो है वो 213 देना करना ना, तो अब तक हमने 75 दे दिया, तो अब हमने क्या करना है, 213 में से 75 को माइनस करवा देना है। 138 मैम। 138 ग्राम हमें पता चल गया। 138 क्या शो करवा रहा है कि हमने कितना कार्ब्स अब जो है वो देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई 138 ग्राम कार्ब्स कितनी सर्विंग देंगे हम लोग सीरियल्स की कि हमारा पूरा हो? तो इसके लिए हम 138 को क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 15 के साथ। अब क्वेश्चन इज डैट के 15 के साथ डिवाइड क्यों करवाएंगे? बिकॉज होलग्रेन सीरियल स्टार्च ग्रुप की जो एक सर्विंग है वो हमें एक सर्विंग में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट देती है? 15, 15 मैम। 15। अब हमारे पास 138 ग्राम ग्राम है, तो हम अब इसको किस तरह से सर्विंग में चेंज करेंगे? तो हम लोग उस अमाउंट को डिवाइड करवा देंगे 15 के साथ। इसको 15 के साथ जब डिवाइड करवाएं तो क्या आंसर आता है हमारे पास? मैम 9.2। 9.2। इट्स मीन हमने सीरियल स्टार्स के कितने सर्विंग्स देनी है? 9 दे सकते हैं हम, बिकॉज यस मैम। 6 to 11 दे सकते हैं, तो फिर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जरा दोबारा बता दें। ये वाला पॉइंट किसने पूछा है? मैंने वो जो आप कहते हैं कि काप्स को प्लस करना है उसके बाद क्या करना नाम लिया करो, मैंने मुझे ऐसे क्या पता चलता है मैंने है। किसने किसने। ओके निम्रा, अब भी देखो, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स था, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो हमने अपना कार्बोहाइड्रेट 213 जो है वो पूरा करना है, ठीक है। 213 हमने पूरा करना है, तो हम लोग उसके लिए अब तक जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स दिया है वो ऐड करके देखेंगे, ठीक है। वो ऐड करके हमारे पास जितना आएगा, ठीक है, उसको हमने माइनस करवा देना है टोटल जितना हमने देना है। हमने 213 देना था और 75 हमने दे दिया है अब तक, ठीक है। तो अब बाकी हमारे उसको माइनस करवा देना है टोटल में से जितना दे दिया है, तो 138 आंसर आया। अब हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास अब स्टार्च का एक ही ग्रुप है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, बाकी प्रोटीन फैट तो कोई स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट देते नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग आएगी उसको हम लोग 15 के साथ डिवाइड करवा देंगे। 15 के साथ डिवाइड क्यों करवाएंगे? क्योंकि सीरियल्स की जो एक सर्विंग है वो हमें एक ग्राम में सीरियल की जो एक सर्विंग है वो हमें 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट देती है। यहाँ हमारे पास 138 ग्राम है, ठीक है, तो हम लोग इसको सर्विंग्स में चेंज करने के लिए 15 से डिवाइड करवा देंगे, और जो आंसर आएगा वो उतनी सर्विंग हम लोग स्टार्च ग्रुप की यानी सीरियल ग्रुप की दे देंगे। समझ आई है? यस मैम। ओके अब 9 सर्विंग स्टार्च की दी। अब देखो स्टार्च कितने कार्ब्स दे रही है, प्रोटीन दे रही है, फैट दे रही है, कैलोरीज है, उन सब वैल्यूज को 9 से मल्टीप्लाई करवाते जाओ और आंसर लिखते जाओ। मैम प्रोटीन 0 to 3 है तो क्या चूज करेंगे? 2 ले लो, फैट दे रहा है कोई? मैम 0 to 1। हाँ 1 ले लो, 1 ठीक है। मैम प्रोटीन अरे 3 ग्राम है।
जीरो टू थ्री तो नहीं है, जीरो टू थ्री होगा मैम, 3 ग्राम लिखी हुई है जो एक्सचेंज लिस्टर्स के अंदर। स्टार्च की बात हो रही है, होल ग्रेन सीरियल्स की शायद। जी मैम 3 ग्राम है। एक मिनट, लेट मी चेक। थ्री ग्राम दे रही है, जीरो टू थ्री नहीं दे रही। आप किसका चेक कर रही थी? मैं प्रोटीन का ही बता रही थी कि 3 ग्राम है। 3 ग्राम ही दे रही है, जरा ध्यान से देखा करो। ठीक है, 3 को करवा दो 9 के साथ, बाकी फैट 1 ले लो, बाकी कैलोरीज आ जाएंगी। हो गया सबका? जी मैम हो गया। अब करो इन सबको ऐड और मुझे बताओ कितना टोटल हमने कार्बोहाइड्रेट दिया है। आयशा आपकी तरफ कनेक्टिविटी इश्यू है, प्लीज रिजॉल्व योर इश्यू, मेरी आवाज बाकी सब स्टूडेंट्स को जा रही है। मैम 210 आ रहा है। इट्स ओके, पूरा हो गया, 210 हो गया। जी पूरा हो गया हमारा, हमने 213 देना था, 210 आया। इतना फ्लक्चुएट निकलता है और हमेशा निकलेगा भी, ठीक है। इस तरह -5, -3, -4, -5 का डिफरेंस जो है वो आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हदीका, ठीक है। अब आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया। हदीका आपका 171 कैसे आ रहा है बच्चे, जब मैंने सबको एक्सचेंजेस सेम लिखवाई है, सब कुछ सेम लिखवाया है। आई डोंट नो आपका कहाँ इश्यू है, आप क्या गलती कर रही हो क्या नहीं, तो आप जरा अपना एक मिनट साइड पे रखो, ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर चेक करती हूँ आपका। अच्छा जी, तो अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पूरे हो गए, अब हमें अपना क्या पूरा करना है, प्रोटीन, ठीक है। अब हम इस लेवल पे अपना प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे, सॉरी अपना प्रोटीन ऐड करेंगे, करके देखेंगे कि अब तक हमने कितना प्रोटीन दे दिया है, क्योंकि हमें प्रोटीन भी अब एक ग्रुप से ही मिलना है सिर्फ प्रोटीन से, तो फिर हम लोग देख लेंगे कि आया हमने कितना दे दिया और हमारा कितना रहता है। तो अब तक जितना प्रोटीन दे दिया है उन सबको ऐड करो और मुझे वैल्यू बताओ, बल्कि ऐड करवाओ, मैं भी करती हूँ साथ, बताओ कितना हमने दे दिया हुआ प्रोटीन अब तक। ना मेरे से कितना मिला था मैम? 16। उसके बाद फ्रूट से 0 था, वेजिटेबल से कितना था? वेजिटेबल से 6। उसके बाद सीरियल से कितना था मैम? 27। 49 हो गया। टोटल yes, कितना देना था हमने? 58 में से माइनस करेंगे, फोर्टी नाइन आया। अब मुझे ये बताओ कि मीट की एक सर्विंग हमें कितने ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है?
मैम 7 ग्राम। अब 9 को हम लोग डिवाइड करवाएंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1.28। तो अगर इसको राउंड राउंड ऑफ करें तो 2 सर्विंग्स बन सकती हैं, बन सकती हैं। ओके आयशा बताओ बच्चों, ये रेज क्यों नहीं हो रहा? निम्रा पता नहीं, स्टूडेंट्स अब तक हमने जितना प्रोटीन दे दिया है उसको ऐड करना है, वो ऐड करके हमारे पास आता है 49। टोटल हमने देना था 58, ठीक है। अब उस 58 टोटल में से हमने जितना दे दिया है उसको माइनस करवाना है, हमने माइनस करवाना है 58 में से 49 को, ठीक है। 58 में से 49 को माइनस करवाया तो रिमेनिंग क्या बचता है, 9। अब हमने ये देखना है कि मीट की एक सर्विंग हमें कितने ग्राम प्रोटीन देती है। तो हमने देखा कि मीट की एक सर्विंग हमें 7 ग्राम प्रोटीन देती है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये किया कि 9 को फिर डिवाइड करवा दिया 7 के साथ, ठीक है। 9 को 7 के साथ डिवाइड करवाया तो आंसर आता है 1.28। इसको अगर हम इक्वल टू निम्रा आवाज आ रही है? मीटिंग में नहीं है ना? सुना जैनब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आपकी? आ रही मैम नहीं है मीटिंग। जी स्टूडेंट्स समझ आई है पॉइंट की के नहीं? और मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आप लोगों को पॉइंट की समझ आ गई है प्रोटीन वाले? यस मैम आ गई है। अब अपनी सारी प्रोटीन ऐड कर लो कि कितनी दे दी है हमने, 58 देनी थी तो कितनी दे दी है, टोटल हो गई है या नहीं हो गई, ठीक है। ऐड करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आती है प्रोटीन की। मैम
मैम जब हमने 9 को 7 से डिवाइड किया था तो आंसर 1.28 आया था, तो हम प्रोटीन के एक्सचेंजेस में 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? 2 लिखेंगे, उसको राउंड ऑफ कर लेना, 2.8 है ना, तो वो अगर मैथमेटिकली हम लोग जाएं तो वो 2 बन जाता है, तो 2 लिखेंगे ठीक है, क्योंकि 2 to 3 सर्विंग्स तो हम लोग लेते भी हैं ना। जी लिग्यूम्स, लिग्यूम्स भी आते हैं प्रोटीन में। मैम इसका जो फैट्स है वो 0 to 3 ग्राम है, तो हम मतलब 1 लें 2 3 जितना मर्जी ले सकते हैं? हाँ 1 ले लो, 1 ले लो। वो हमारी मर्जी है, हम जितना भी ले लें, लेकिन कोशिश यही करनी है कि अगर मीट प्रोडक्ट भी हैं तो वो भी फैट फ्री हो। ठीक है अब बताएं मुझे टोटल कितना प्रोटीन बनता है आप लोगों का? मैम 63 हो रहा है। इट्स ओके, 58 देना था ना, एडिशनल चला गया, कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा है हमारा जो है वो डिफरेंस भी आ सकता है और 2-4 पॉइंट्स ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, ये हमारा फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है ऊपर नीचे हो जाता है। आप मुझे बताओ कि लास्ट कौन सा ग्रुप रह गया जिसकी सर्विंग्स को हमने पूरा करना है? फैट्स। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ तो बताएं फिर मुझे, फैट अब हमने अपना पूरा करना है तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा? ओके सबा, थैंक यू। बता दे स्टूडेंट्स फैट के पूरा। जी जी मैम, वो 52 आया था ना हमारा, तो हम इसमें से टोटल फैट जो हमारा बाकी मील में से निकला है उसको माइनस कर देते हैं। अब तक जो दे दिया है पहले उसको ऐड करें। ठीक है मैम, 13 आया। कितना? 13। 13 जी मैम। यस मैम। 13 कैसे आ सकता है? मैम मिल्क में से 2 था और फ्रूट और वेजिटेबल्स में 0 था, फिर स्टार्च में हमने 1 लिया था वो 9 आया हमारा, और फिर प्रोटीन में फिर 2 है तो 4 + 9। मिल्क में 2 ग्राम फैट लिया था तो उसको मतलब एक सर्विंग 2 ग्राम दे रही थी तो उसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया? नहीं मैम, आपने स्किम मिल्क कहा था ना, तो स्किम मिल्क की एक सर्विंग 3 ग्राम फैट दे रही है। कितने ग्राम फैट दे रही थी? 3 ग्राम एक सर्विंग। 3 ग्राम तो हम लोग कितनी सर्विंग्स ले रहे थे स्किम मिल्क की? 2 लिए तो फिर ये 6 हो जाएगा। हाँ तो उसको मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा ये। आगे हमें उससे वेजिटेबल से कितना फैट मिला? 0। फ्रूट और वेजिटेबल से 0 था। सीरियल से कितना मिला? 9। मीट से कितना मिला? 2। नहीं मीट की भी एक सर्विंग में 3 ग्राम होते हैं तो हमने 6 नहीं बन गया। मैम फैट्स में से आपने 1 चूज करने का कहा था, 0 to 3 था, आपने कहा 1,
फैट लिखो तो वन मैं ना खुद देख लेती हूँ, तुम लोग कोई कुछ बोलता। जी मैम आपने कहा था कि 1 ग्राम फैट ही लिया है, ठीक है ओके 0 to 3 है तो आप लोगों ने 1 लिया, 1 हमें कितना लिया 2 जी मैम 17 कितना बन गया 17 बनता है। -2 17 बनता है ना, ऐसा करो जो मीट वाला फैट है ना वो आप लोग 3 ग्राम ले लो और फिर मुझे बताओ कितना बनता है। मैम आ गया 17 मैम 21 आ रहा है 3 लेके 1 कर दो ठीक है 3 सर 3 ले लो फैट 3 ग्राम ले लो फैट 21। अब 21 में से माइनस करवाओ 52 को, टोटल 52 देना था ना, मैम 21 कैसे आया, क्योंकि हम जो मीट वाला था वो पहले हम लोग 1 ग्राम ले रहे थे लेकिन अब मैंने कहा 3 ग्राम ले लो। मैम 3 ग्राम को हम 2 सर्विंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होते हैं मैम, मिल्क में से मैम 2 आया था, 2 कैसे मैम आपने 1 लेने का कहा पहले था। आपने 2 कहा था मैम, पहले आपने 1 का कहा था फिर मैंने भी अभी 3 किया उसको। हाँ उसको तो 3 कर लिया ना, मिल्क में आपने 1 लिया और हमने मिल्क की 2 सर्विंग ली है मतलब 2 हुआ वो 2 9 6 17। अच्छा मिल्क वाले की वैल्यू भी 0 to 3 थी जी मैम, है ना जी मैम, उसको 2 कर लो ओके मैम, फैट पूरी नहीं हो रही, बाद में एंड पे जाके ना ये चीजें खुद से करनी पड़ती हैं कि चीजें पूरी हो जाएं। उसको अगर हम 2 लेते हैं तो क्या फिर वैल्यू आती है टोटल, मैम 19 होता है फिर 19 हो रहा है, 52 - 19 अभी 20 ज्यादा है, सीरियल में भी 2 कर दो फैट को और फिर बताओ कितना बनता है। सीरियल्स में 1 ग्राम लिया था ना वहां 2 ग्राम ले लो और फिर बताओ कितना बनता है। मैम वहां तो वैसे भी 0 to 1 ग्राम है सीरियल्स में, 0 to 1 ग्राम ही था मैम जी मैम ओके ठीक है 1 रहने दो, बताओ कितना बनता है 19 जी मैम। मिल्क वाला भी 3 कर दो, ऐसा करो सीरियल्स में तो एक ही है ना, मिल्क वाला 3 कर दो और फिर बताओ टोटल कितना बनता है। टोटल कितना देना था 52, 52 में से माइनस करवाओ 21, 31 आएगा। अब मुझे बताओ फैट की एक सर्विंग कितने ग्राम फैट दे रही है, मैम 5 ग्राम, 31 को डिवाइड करवा देंगे 5 के साथ 6.2 है, 6 सर्विंग्स जो है वो फैट के दे दो और इसकी कैलोरीज लिखो। अब फैट के 6 सर्विंग आई हैं, इसका मतलब है कि जो हम लोग अपने सीरियल्स में फैट ले रहे हैं इसमें वो भी इंक्लूड है, जो हम लोग एक्स्ट्रा से फैट ऑलिव ऑयल कैनोला ऑयल या बटर वगैरह मार्जरीन वगैरह ये चीजें यूज करेंगे तो वो भी फैट के सर्विंग में इंक्लूड होगा ठीक है। सिक्स सर्विंग दे दो, कैलोरीज लिखो और फैट को टोटल करो कितना बनता है।
आयशा अकमल आपको आवाज आ रही है मेरी? आयशा आर यू देयर? मैम 51 बन रहा है, इट्स ओके. ठीक है अब हम लोग ने इनका अब कैलोरीज टोटल कर लो, कैलोरीज कितनी बन गई हैं, और फिर हमारे हम इनका निकाल लेंगे डिफरेंस. ठीक है, मैम 1475 आ रहे हैं. कितने? 213. और हमने कितने दिए हैं? 210 ओके. माइनस 3 का हमारे पास डिफरेंस आ गया है. ठीक है, प्रोटीन कितना देना था? 58. कितना दिया हमने? 63. कितना एडिशनल दिया हमने? 5 हमारा एडिशनल प्रोटीन है. फैट 52 देना था, हमने कितना दिया? 51. माइनस 1 का डिफरेंस है. कैलोरीज 1550 देनी थी. एक मिनट, कैलोरीज जो है वो हमने देनी थी 1550, हमने दी 1475. कितने का डिफरेंस आया? 75. ठीक है, ये डिफरेंस भी हमने निकाल लेना है इस तरह से. ठीक है, अब बच्चों इट्स ओके, हमारी 75 कैलोरीज का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी हमारी फ्लक्चुएट हो जाती हैं. हो सकता है कि दिन में हम लोग कोई ऊपर नीचे, क्योंकि हर चीज को मेजरमेंट करके तो नहीं ना खाता कोई बंदा. ठीक है, तो हो सकता है कि कोई एक आध ऊपर नीचे स्नैक में कोई ऐसी चीज ले ले, कोई एक्स्ट्रा, जैसे हमारी जो है खाने में एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड होती हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड होता है, शुगर ऐड होती है. ठीक है, इस तरह के जो हर्ब्स वगैरह स्पाइसेस वगैरह ऐड होती हैं, तो वो जो है वो इस कैलोरीज में वो मैनेज हो जाती हैं. ठीक है, सबको समझ आ गई है? Yes, ma'am. पता चल गया कि अब हम अपनी एक्सचेंजेस लिस्ट को किस तरह से पूरा करते हैं, अपनी सर्विंग जो हमारा साइज आया होता है उनको किस तरह पूरा करते हैं, हमारी जो कार्ब्स प्रोटीन और फैट की वैल्यूज आई होती हैं उनको हम लोग किस तरह से पूरा करते हैं. कोई मसला, कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट पर, तो यू पीपल कैन आस्क. जी हदीका, 0.3 ग्राम है फैट, क्या आप कह रही हैं? हदीका 5 ग्राम फैट कैसे होगा? फैट वाले पोर्शन में जाके देखेंगे. फैट वाले पोर्शन में जाके देखें. निम्न एक्सचेंजेस शो करो. फैट वाला निकालो. ये शायद
ऊपर करो, ये मिल्क की बात हो रही है। नीचे आओ, ये मीट है, ये है, नहीं ये भी मीट है, आ जाओ नीचे। ये आपका प्रोटीन स्टार्ट हो रहा है। 1 मिनट ऊपर करो, ये स्किम मिल्क लिया था उसमें 0 to 3 ग्राम ही था। वो तो मिल्क की है ना, फैट वाला ग्रुप हमें कितनी फैट प्रोवाइड करता है। निम्रा तुम नीचे नहीं आ रही, नीचे आओ, ये मीट, उसकी मीट की बात हो रही है, आ जाओ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये प्रोटीन की बात हो रही है अभी, आओ नीचे। ये देखो, रुक जाओ, ये देखे हदीका, फैट है हमारे पास, और फैट की जो 1 सर्विंग है वो हमें 5 ग्राम फैट दे रही है, इसलिए हमने 31 को 5 से डिवाइड करवाया है। ठीक है, जिस तरह हमने सीरियल्स की 1 सर्विंग 15 ग्राम कार्ब्स दे रही थी, तो जो रिमेनिंग थे उनको 15 से करवाया था, प्रोटीन हमें 7 ग्राम मिल रही थी, हमने 7 से डिवाइड करवाया, इस तरह फैट हमें 5 ग्राम मिल रही है 1 सर्विंग में, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड करवाया। क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. ओके गुड। अच्छा तो करो वो टेबल शो। अब बच्चों डाइट प्लान मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, सर्विंग वगैरह तो हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अब हमारे पास ये होता है हमारा डाइट चार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग 3 मील्स लिखते हैं, ब्रेकफास्ट है, मिड मॉर्निंग स्नैक है, लंच है, इवनिंग है, डिनर है, बेड टाइम स्नैक है। ठीक है, मेंशन टाइम मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ना करो, ऐसे ही लिख दो। ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी, और नीचे डायट्री गाइडलाइंस। डायट्री गाइडलाइंस भी मैं आपके साथ आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला जो मील होता है वो ब्रेकफास्ट है। ठीक है, आप लोग ये चीज नोट डाउन कर लो कि अब हमारा 100% का मील है, उसमें से 50% जो हमने है वो ब्रेकफास्ट में देना है। ठीक है, 50% ब्रेकफास्ट में देना है, 30% लंच में। ये आइडियल चीज है कि 50% ब्रेकफास्ट देते हैं, 30% लंच देते हैं, 20% डिनर देते हैं। ठीक है, बाकी स्नैक जो है वो एक्स्ट्रा उसमें जाते हैं। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो इतना हेल्दी होना चाहिए कि 50% हमारी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दे। ठीक है, ये आइडियल और एज जनरल मैंने बताया। अब हमें ब्रेकफास्ट में फूड आइटम देखनी है, और फूड आइटम के साथ देखना है कि कितनी कैलोरीज वो प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हम लोग ले रहे हैं, कोई फूड रेसिपी बताओ मुझे ब्रेकफास्ट के लिए। स्टूडेंट्स कोई ब्रेकफास्ट बताओ। जी मैम, मिल्क, ब्रेड, मिल्क, मिल्क के बाद ब्रेड, मैम ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड? ठीक मैम व्हाइट ब्रेड, है, मैम एग। हदीका ऑलरेडी हमारी सिर्फ दो ही क्लासेस रह गई हैं, तो अगर आज ही इतना सा समझ लोगे तो कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा एक, अच्छा मिल्क कितना लिया, क्वांटिटी भी बताओ ना साथ। मैं 1 सर्विंग 1 कप। सर मैं 1 सर्विंग
1 कप स्किम मिल्क ले लिया, 2 व्हाइट ब्रेड ले ली, और बताओ ऑप्शंस। मैम एक फ्राइड एग, जैनब, निम्रा, मैम एग, 1 एग फ्राइड, 1 एग, ठीक है, होल एग ले लिया, ठीक है। अब हम इसकी कैलोरीज कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, अब मुझे बताएं और देखें और बताएं कि 1 कप जो स्किम मिल्क है वो हमें कितने कैलोरीज, कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन और कितने फैट दे रहा है, ये सारी चीजें बताएं और अपने पास भी लिखें। वन कप स्किम मिल्क हमें 15 ग्राम कार्ब्स दे रहा है, प्रोटीन कितने दे रहा है, 3 ग्राम। इन सबको लिखते जाएं और साथ में आपने ऐड भी करना है कि हमारी पूरी हुई भी है कि नहीं हुई डे में, ठीक है। और फैट, फैट एक ही ले लें, कैलोरीज उसके बाद लिख लिया ये सबने। अब मुझे देखें कि हमें व्हाइट ब्रेड का